कैमरा पे देख, कैमरा टेल मी इफ आई एम शैबी लुकिंग. हाय हाय. सबसे पहले तो आया ना तू, सॉन्ग के बारे में बताइए. गाना रिलीज हो रहा है 20 जून को एट 10 AM. यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब, टीवी, रेडियो, सब जगह बजेगा. पहले दो दिन के लिए यू कैन चेक इट आउट ऑन आई कांट से अदर चैनल नेम्स. चैनल नेम्स भी बता सकता नहीं, ठीक है, ओके. सो आई जस्ट स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट. गाना एक सैड लव सॉन्ग है. उसमें आई प्ले अ कैरेक्टर वेयर आई हैव अ ब्रेकअप विद समबडी और वो प्यार के खोज में जो होता है वीडियो में आपको देखना पड़ेगा आई फील. ओके, सो ये सॉन्ग जब आया था तो क्या माइंड में क्या चल रहा था, करना है नहीं करना है? तो मैंने गाना बनाया है, खुद बनाया है मैंने गाना. एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग. मेरे खुद के जो बनाए गानों में मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक लोगों भी पसंद आएगा. इट्स वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो सब हर जन रिलेट कर सकता है इस गाने को, क्योंकि हर इंसान के ज़िंदगी में एक टाइम होगा जिसमें किसी ने हार्ट ब्रेक महसूस किया होगा. तो आई फील लाइक इट्स अ वेरी रिलेटेबल सॉन्ग. एवरीबडी विल अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिकलिटी ऑफ दिस सॉन्ग इज. जैसे कि आपने कहा खुद बनाया है, तो कभी एक्सीडेंट कुछ हुआ है आपके साथ, किस तरह? बिल्कुल हुआ है, सबके साथ हुआ है. तो उस एक्सपीरियंस के ऊपर, उस एक्सपीरियंस पे ही गाना बनाया मैंने. तो आप वीडियो देख लो, आप एक्सपीरियंस समझ जाओगे. अच्छा, मोमिना भी है देखा जाए तो पाकिस्तानी सिंगर है. हाँ जी. जब उन्हें लिया जा रहा था तो कोई प्रेशर था, क्योंकि इसके पहले भी काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है. हाँ, लेकिन आई थिंक कि आजकल के ज़माने में बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं जो देश से, वो मैटर नहीं करता है इतना आजकल. क्योंकि आई थिंक आप देखने जाओगे तो म्यूज़िक और आर्ट इसके ऊपर उसको रहना ज़रूरी है. आई डोंट फील लाइक इट शुड बी पॉलिटिकल. वी शुड रिमूव द पॉलिटिक्स फ्रॉम म्यूज़िक और आर्ट फॉर्म इन एनी वे. आई डोंट थिंक दैट इट्स समथिंग दैट वी शुड टॉक अबाउट ऑल्सो. अगर इफ़ यू मेक एवरीथिंग पॉलिटिकल, फिन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्ट? लेकिन आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ सर. तो आपको क्या लगता है कि अगर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप मुझे बताओ. जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो भी इंडिया में. हाँ जी. जो हो रहा है रिसेंटली. हाँ जी. उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ मैं. तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानता हूँ और ना मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर कोई इंसान दूसरे देश से है तो उनके साथ कोलैबोरेट करना गलत है. आई थिंक दैट इट शुड मैटर. ये म्यूज़िक होता है. जो चाहो, जो भी देश से हो, वो फ़र्क नहीं होता. गाना अच्छा होना चाहिए बस. बहुत अच्छा था मोमिना के साथ काम करने का एक्सपीरियंस. शी इज़ अ वेरी लवली पर्सन. मैं उनको मिला पहली बार बैंकॉक में, जहाँ पर हम लोग शूट कर रहे थे वीडियो, और वहाँ पर हम लोग ने गाना भी रिकॉर्ड किया. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. न्यूयॉर्क की बात की आपने, ब्यूटीफुल शहर माना जाता है. वीडियो तो बहुत अच्छा निकला, तो आप वीडियो देख के बताइए आपको कैसा लगा. अच्छा, वहाँ के जो फनी इंसिडेंट्स हो, क्योंकि मोमिना से भी हम अभी देख रहे थे, काफी फनी फनी गर्ल दिख रही है. हाँ जी. उसके बारे में थोड़ा बताइए. तो मोमिना बहुत फन लविंग गर्ल है, उसको बहुत हंसना और बात करना बहुत अच्छा लगता है. तो आप उनके सामने बैठते हैं तो वो बात करती रहती है और आपको सिर्फ सुनना पड़ता है. तो मुझे अभी तो हम लोग दोस्त बन गए हैं. अभी मुझे भी मैं उनसे मिला था, तो आई डोंट नो हर एट ऑल. तो पहली बार मैं भी उनसे मिला था बैंकॉक में. तो आई फील लाइक बहुत अच्छी लड़की है. आई फील शी इज़ वेरी फनी. और वीडियो ब्रेकअप के बारे में है, तो वो कॉन्स्टेंटली जोक्स कर रही थी कि हाँ, हमारा ब्रेकअप इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ. मैं उनको मिला तक नहीं हूँ और उन्होंने डिसाइड कर लिया. मेरे हिसाब से अभी लोग कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट म्यूजिक फ्यूचर है. मुझे फ्यूचर नहीं लगता, मुझे प्रेजेंट लगता है. ऑलरेडी आ चुका है, सब लोग बना रहे हैं म्यूजिक, नॉन फिल्म म्यूजिक बना रहे हैं, और नॉन फिल्म म्यूजिक बहुत हिट भी हो रहा है. और आप देखोगे तो स्टार्स भी बन रहे हैं नॉन फिल्म म्यूजिक से. इतना बड़ा बन रहा है कि सब बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब सुन रहे हैं, और टीवी पे चल रहा है, रेडियो पे चल रहा है. जितना बॉलीवुड, जितने बॉलीवुड गाने हैं उतने नॉन फिल्म गाने भी हैं. और आगे जाके देखोगे तो आज के बॉलीवुड गाने 10 साल के पहले नॉन फिल्म गाने थे, जैसे काला चश्मा जो नॉन फिल्म गाना था, और इतने चुल भी नॉन फिल्म गाना था. तो ऑल दीज सॉन्ग्स इवेंचुअली बिकम फिल्म सॉन्ग्स. तो आई थिंक दैट लाइन बिटवीन नॉन फिल्म एंड फिल्म म्यूजिक इज बिकमिंग वन. सब लोग सब कुछ सुन रहे हैं, एंड आई फील लाइक यूनिवर्सल म्यूजिक इज डूइंग अ ग्रेट जॉब
ऑफ एडिंग दैट प्लेटफॉर्म कि आर्टिस्ट को मिले एक प्लेटफॉर्म, अगर फिल्म हो या नॉन फिल्म हो, दे प्रोवाइड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द आर्टिस्ट। डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या कहना है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से काफी सिंगर्स भी ऊपर आए। हाँ जी, हनी सिंह बादशाह जिसे भी आप ले लें। हाँ जी, क्या कहना है इसके बारे में कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता देखा जाता है। मैं एक बात बोलूँ तो मैं आई वुड से दैट डिपेंड की बात नहीं है। आई फील लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने क्या किया है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो वो टैलेंट शोकेस करने के लिए बहुत यूजफुल है डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा कि योयो हनी सिंह या बादशाह जी को देखेंगे तो दे हैव बिकम बिग फ्रॉम डिजिटल। मुझे लगता है कि दे हैव वर्क वेरी हार्ड डिजिटल और नॉन डिजिटल पे। आप देखोगे तो उनके गाने सब जगह बजते हैं, और आजकल ऐसे ही हो रहा है कि अगर गाना अच्छा हो डिजिटल पे तो सब जगह बजता ही है, रेडियो भी बजाना चाहता है, टीवी बजाना चाहता है। कहीं ना कहीं मजबूर हो जा रहे हैं क्योंकि ऑडियंस की डिमांड हाँ कह सकते हैं कि ऑडियंस की डिमांड अभी ये है कि हमें अच्छा म्यूजिक चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, चाहे वो डिजिटल से हो या फिल्म से हो, या हमें सिर्फ अच्छा कंटेंट चाहिए। और ये डिमांड आपको दिख रहा है कि चैनल्स और रेडियो चैनल्स तो करना ही, दे हैव टू डू इट नाउ बिकॉज पीपल वांट गुड म्यूजिक। सब जगह होगा, यू कैन सी इट ऑन रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल, ऑल द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, आप जहाँ देखोगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सर, मम्मी ना पाकिस्तान से आ रही है, और पाकिस्तान के सिंगर्स के बारे में जानना चाहूँगा किस तरह के, क्योंकि वहाँ के सिंगिंग ही कुछ अलग है बोलते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। तो उन्हें लेने की कुछ खास वजह इस म्यूजिक वीडियो में? मुझे लगता है ये गाने के लिए मोमिना एकदम परफेक्ट थी। ऐसा ना नहीं कहना चाहता हूँ कि वो बेस्ट सिंगर है यार, या देयर इज नोबडी हु कैन सिंग एज वेल एज हर, ऐसे कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ लगा कि ये प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ने सब सोच के डिसाइड किया कि मोमिना इज द बेस्ट ऑप्शन सिर्फ ये प्रोजेक्ट के लिए। तो आई डोंट थिंक दैट पाकिस्तानी सिंगर्स आर बेटर देन इंडियन सिंगर्स और वाइस वर्सा। आई फील लाइक इनफैक्ट हमारे इंडिया में बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, सिर्फ ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे लगा कि मोमिना वुड बी अप्रोप्रिएट। आगे कुछ और प्रोजेक्ट तो करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिले या राइट करेक्ट प्रोजेक्ट मिले तो जरूर करूंगा। आपने सिंगिंग कर लिया, एक्टिंग कर लिया, सॉन्ग राइटर भी, और क्या क्या बचा जो करना है, कुछ होगा माइंड में अभी? है ना, मुझे एक्शन हीरो बनना है। जोक मारा, आई थिंक दैट आई अभी तक तो बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है, और जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करूंगा तो आपको अपडेट करते रहूंगा। अभी मुझे एक्टिंग पे ध्यान देना है थोड़ा टाइम, मेरी अभी पिक्चर आ रही है, आई एम एक्टिंग इन अ फिल्म, तो आप देखोगे अभी अनाउंसमेंट होगा एक दो महीने में। और कुछ नहीं बता सकता, अभी ऑलरेडी बता दिया मैंने। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, आपके बिना तो मैं कुछ होता ही नहीं। और प्लीज़ हियर द सॉन्ग, गाने का नाम है आया ना तू, 20 जून को रिलीज होगा, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन वायरल ओरिजिनल्स। Thank you. मेरे लिए तो ये गाना बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज जैसे अर्जुन बता रहा था, ये एक्चुअली इट जस्ट हैपेंड। मैंने अर्जुन मुझसे एक बार मिलने आया था, इनफैक्ट मेरे एक आर्टिस्ट ऋषि रिच के साथ, बिकॉज दे वर जैमिंग ऑन समथिंग, और हम अर्जुन से मिले और हमने सिर्फ बात करी कि कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, तो अर्जुन ने कहा हाँ ज़रूर से कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए। तब हमारे दोनों के पास कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए। लिटरली आई थिंक एक महीने बाद आई काइंड ऑफ कॉल्ड अप अर्जुन एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है एक कोलैबोरेशन का। हाँ कोलैबोरेशन साउंड्स गुड, बट करेंगे किसके साथ? तो आई सेड देर इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, उसका नाम मोमिना है, एंड वुड यू बी इंटरेस्टेड? तो ही सेड, मैंने उसका नाम तो सुना है बट आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं बताता हूँ। मुझे लगा वो एक दो दिन में रिवर्ट करेगा, उसने 5 मिनट में मुझे फ़ोन किया और बोला ब्रो आई एम रेडी टू डू दिस। आई सेड ओके फैंटास्टिक। फिर हमने मोमिना से बात करी कि बिकॉज हम मोमिना के साथ पिछले 6-8 महीने से वी बीन इन कॉन्वर्सेशन, हम उसे यहाँ लॉन्च करना चाहते थे, उसका फर्स्ट सिंगल करना चाहते थे, बट अगेन वी वॉन्टेड टू प्रेजेंट हर इन अ वेरी यूनिक और डिफरेंशिएटेड वे में। तो हमने यही बात जाके मोमिना से करी कि एक बहुत अच्छे कोलेबोरेशन का आइडिया है, आप करना चाहेंगी? तो उन्होंने पूछा किसके साथ, तो हमने कहा अर्जुन, एंड उनका भी वही रिस्पॉन्स रहा, बिल्कुल इमीडिएटली शी केम बैक सिंग दिस साउंड्स ग्रेट। मैंने अर्जुन को बताया कि वी आर रेडी टू गो,
और उतने समय में जब मैंने अर्जुन को बताया, उसके 48 आवर्स में अर्जुन ने मुझे एक धुन बनाकर भेज दी. मैं सुनते ही मुझे इतनी पसंद आई. मैंने ऑफिस में मेरी टीम को सुनाई, सब लोगों को बहुत पसंद आई. हमने मुमीना को भेजी, उसे बहुत पसंद आई, और बस इस तरीके से कहानी शुरू हुई. एंड जैसे मुमीना ने अभी बताया, बहुत बहुत ही स्मूथ तरीके से ये पूरा सिंगल वीडियो सब कुछ हुआ है. हम सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए, अर्जुन, मुमीना, एंड इट्स बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. हम बड़े समय से मुमीना ने एक्चुअली मोहित की फिल्म आवारी एक विलन में आवारी कर का एक गाना करा था एक विलन का. तब से हम लोगों को पता था कि मुमीना इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट है और इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए. उसके बाद वो बड़ी बिजी हो गई कोक स्टूडियो में. उन्होंने लास्टर राहत साहब के साथ भी बहुत बड़ा गाना करा, एंड देन वी फेल्ट दैट किसी इंटरेस्टिंग वे से उनका फर्स्ट सिंगल करना चाहिए, एंड दैट्स हाउ वी रीच्ड आउट टू हर. जैसे मैंने बताया कि कोलैबोरेशन में हम सिर्फ यही चीज़ देखते हैं कि 1+1 शुड बी इक्वल टू मोर देन 2. तो उस तरीके से अर्जुन और मुमीना की अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, एंड आई ऑल्सो पर्सनली थिंक दैट बोथ ऑफ देम आर सुप्रीमली टैलेंटेड. दे लुक ग्रेट टुगेदर, एंड दैट्स हाउ द कोलैबोरेशन हैपेंड. वी डिडंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स अदर देन द फैक्ट दैट ये दोनों आर्टिस्ट बहुत ही यूनिक है अपने स्पेस में. बहुत ही यंग एज में दोनों ने बहुत सक्सेस अचीव करी है, एंड आर आइडिया वॉज दैट कैन वी प्रेजेंट देम टुगेदर इन सच अ वे दैट मेक्स इट इवन बिगर एंड लार्जर. आई थिंक डैनी जिसने ये वीडियो डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं. आई थिंक एक अच्छे डायरेक्टर की हॉलमार्क ये होती है कि वो अपने आर्टिस्ट को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, और वही आई थिंक मैं था वीडियो शूट के टाइम पे. मैंने देखा डैनी इतने अच्छी तरीके से दोनों आर्टिस्ट को इतना कंफर्टेबल फील कराया, एंड द रिजल्ट इज़ व्हाट यू सॉ. नहीं, बिल्कुल नहीं. आप देर आर बोथ पार्ट्स ऑफ द डे, देर इज़ नाइट, देर इज़ लेट इवनिंग, देर इज़ अ जॉगिंग सीक्वेंस जो आपने देखी होगी, जो दिन का सीक्वेंस है. कॉफ़ी शॉप का सीक्वेंस है जो दिन का सीक्वेंस है. देन देर आर ब्यूटिफुल शॉट्स ऑफ द नाइट ऑफ लेट इवनिंग ऑन दैट हेलीपैड. सो नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था. सॉरी, मुझे आपका सवाल. आई थिंक इंडिया अब डिजिटली फुल्ली कनेक्टेड है. हमारे देश में इतना यूथ है अब स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और डेटा एक्सेस के वजह से आई थिंक द होल इंडिया इज कनेक्टेड डिजिटली. सो आई थिंक डिजिटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है फॉर अ म्यूजिक टू रीच आउट टू द ऑडियंस एंड फॉर फैंस टू कनेक्ट बैक विद देयर आर्टिस्ट. आई थिंक देखिए, एक ग्रेट प्रोडक्ट, ग्रेट कॉन्टेंट हो तो आई थिंक सारे सपोर्ट जुड़ जाते हैं. इट्स लाइक दैट. जैसे इस केस में आया ना तू के केस में हमने ये नोटिस किया है कि हमारे पार्टनर्स जिन जिन को हमने ये गाना और वीडियो दिखाया है इतने सपोर्टिव है. उन्हें इतना पसंद आया है दैट इनफैक्ट ये हम नहीं बट हमारे पार्टनर्स कहते हैं कि ये कोलैबोरेशन ऑफ द ईयर है. ये वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा गाना ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, ऑडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो प्लेटफॉर्म्स, हर एक जगह जहां हमारे गाने रिलीज होते हैं. थैंक यू.